The Arab rule in Spain lasted till the 15th century. स्पेन के अंदर जो अरबियों का अरबियों की हुकूमत थी वो 15 सेंचुरी तक रही. ग्रेनाडा बीइंग द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड. ग्रेनाडा वो आखिरी इलाका था जब उनकी हुकूमत वहाँ काफ़ी मजबूत थी. ठीक है. देयर आर मैनी फीचर्स इन द आर्किटेक्चर लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ स्पेन एंड सिसली दैट रिमाइंड वन ऑफ द लॉन्ग मुस्लिम इन्फ्लुएंस इन दिस रीज. आप आर्किटेक्चर देख लें, आर्किटेक्चर आपकी बिल्डिंग्स होती हैं. लैंग्वेज देख लें, आप उसकी ज़बान देख लें, उसकी सकाफत देख लें स्पेन और सिसली की. ये आपको बताती हैं कि मुस्लिम लोगों की इसके ऊपर कितना ज़्यादा असर रहा है. टू द ईस्ट द मुस्लिम आर्मी स्वेप्ट इनटू सेंट्रल एशिया टू द बॉर्डर्स ऑफ चाइना. ईस्ट के अंदर जो मुस्लिम आर्मी थी वो सेंट्रल एशिया तक चली गई और चाइना के बॉर्डर्स तक. All the countries conquered in this incredible expansion have remained Islamic except Spain, and even China has a strong Muslim community in its northwestern province. इस इलाके में इन कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी मुस्लिम लोगों ने एक्सपेंशन की, अपना असर फैलाया, उन सब के मतलब वो सब ममालिक ही सब ममालिक जो हैं वो मुस्लिम ही रहे हैं एक्सेप्ट फॉर स्पेन. स्पेन के अलावा जितने ममालिक हैं वो अभी भी मुसलमान ही हैं, उनके अंदर मुस्लिम पाए जाते हैं. ठीक है. एंड इवन चाइना, और चाइना का जो नॉर्थ वेस्टर्न सूबा है उसके अंदर भी मुसलमान हैं. द उमय्यद्स रूल्ड टिल 750 व्हेन द अब्बासिड्स डिफीटेड देम एंड एस्टैब्लिश्ड देयर डायनेस्टी. 750 तक उमय्यद्स ही रहे, उसके बाद अब्बासिड्स आ गए जब उन्होंने उनको शिकस्त दे दी और अपना राज अपनी हुकूमत बना ली. इन द 8th सेंचुरी अब्बासिड्स फाउंडेड द सिटी ऑफ बगदाद ऑन द टिग्रिस इन इराक. 8th सेंचुरी के अंदर मतलब 8th सेंचुरी में अब्बासिड्स जो थे उन्होंने बगदाद की शहर बनाया. ठीक है. फाउंडेड उसको बनाया ऑन द टिग्रिस इन इराक. टिग्रिस एक इलाका है. ठीक है. इराक के अंदर उस जगह पे बगदाद का शहर बनाया. एंड दिस बिकेम देयर कैपिटल. और ये उनका दारुल खिलाफा बन गया. बगदाद गेंड फेम एज द मोस्ट डेवलप्ड एंड कल्चरल सिटी इन द वर्ल्ड. बगदाद को ये एजाज़ हासिल हो गया उस वक़्त कि वो दुनिया का सबसे डेवलप्ड, सबसे एडवांस और कल्चरल सकाफत वाला शहर बन गया. एट द टाइम राइवल्ड ओनली बाय कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है. उस वक़्त सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल ही उससे मुकाबला कर सकता था. टू ऑफ द मोस्ट फेमस अब्बासिड रूलर वर हारून अल रशीद एंड हिज सन मामून. उस वक़्त अब्बासिड्स के जो हुक्मरान थे, दो मशहूर हुक्मरान वो कौन थे? हारून अल रशीद और उनका बेटा मामून. इन इस्लामिक हिस्ट्री द अब्बासिड पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर. जो इस्लामी तारीख है उसके अंदर अब्बासिड्स का जो दौर है उसको एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर कहा जाता है. ठीक है. दौलत और कल्चर सकाफत का एज. ठीक है. उसका दौर कहा जाता है. लर्निंग एंड एजुकेशन इन ऑल फील्ड्स वर इनकरेज्ड. आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, इंजीनियरिंग, या उसके अलावा किसी भी पोइट्री, लिटरेचर, किसी उसमें भी चले जाएं, फील्ड में चले जाएं, उसको सराहा जाता था. ठीक है. उस वक़्त ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स वर ट्रांसलेटेड एंड मेडिकल स्कूल्स वर सेटअप. जो ग्रीक और लैटिन लोगों के काम थे वो ट्रांसलेट किए जाते थे ताकि उस वक़्त वो अब्बासिड्स का जो बगदाद है उधर वो लोग जो हैं उसको पढ़ सकें. ठीक है. और मेडिकल स्कूल्स बनाए गए. मामून इस्टेब्लिश द बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद. जो मामून थे, जो उनके बेटे थे, उन्होंने बगदाद के अंदर बैतुल हिकमा जो था वो बनाया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अरब वॉज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मैथमेटिक्स. सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन की है, जो हिस्सा डाला है अरबियों ने,
वो डाला है मैथ्स के अंदर, ठीक है। द अदर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर वॉज द टॉलरेंस शोन टू फॉलोअर्स ऑफ अदर फेथ। और इसके अलावा जो और एक ख़ास बात है उस वक़्त की, वो ये थी कि वो और मजहब जो और मजहब थे उनको वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, बल्कि उनको वो एक्सेप्ट कर लेते थे। नॉलेज एंड लर्निंग वर गिवन मोर वैल्यू एंड रिस्पेक्ट देन डिफरेंसेस। उस वक़्त जो नॉलेज था, जो इल्म था और सीखने का जो शौक़ था, उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, बजाय इसके इज़्ज़त दी जाती थी, बजाय इसके कि आप उनके अंदर डिफरेंस ढूंढे कि नहीं ये हिंदू है या ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है और ये हमारे साथ नहीं पढ़ सकते।